हैप्पी एनिवर्सरी बेटा। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। अरे अर्चना आ गई। अरे अर्चु बशु, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। सतीश आपको भी थैंक यू। हाँ चले अंदर चले बाबा। हाँ 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 क्यों नहीं, चलो। क्या बात है सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं, वो तुम नहीं समझोगे। क्यों सर? क्योंकि मैं एक मामूली वेटर हूँ सर। वेटर भी इंसान होते हैं, उनके पास भी जज्बात होता है। अब क्या क्या तो देखिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस है एक अजीब सी कश्मकश मेरे मन में। कहीं ना कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और शायद आप कह नहीं पा रहे। सर अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो इजहार करना उतना ही जरूरी है। अगर आप अपने प्यार का इजहार करते हैं तो प्यार और बढ़ता है, रिश्ता और मजबूत होता है। और जहां तक मुझे लगता है आपकी पत्नी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके चेहरे पे साफ जाहिर होता है। मैं तो ये तक नहीं जानता कि उनके मन में क्या चल रहा है। मैं उनसे अपने दिल की बात कैसे कह सकता हूँ? लेकिन सर आप अपने दिल की बात नहीं कहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? प्यार पाना है तो थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना सर। और अगर एक पल का खतरा उठाकर जिंदगी भर का प्यार मिले तो ये सौदा बुरा नहीं है सर। इन सब लोगों के सामने कॉन्फिडेंस के साथ अपने पैरों पे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ तो वो सिर्फ तेरी वजह से, तेरी जैसी जीवन संजोगी अगर मेरी जिंदगी में हो तो मैं दुनिया का कोई भी दर्द सह सकता हूँ, कोई भी। इस रुद्र को सिर्फ गौरी का साथ पूरा कर सकता है, सिर्फ गौरी का साथ। रुद्र जिसको समझ न पाए लोग, सखीरी कहे उसे संजोग। मुझे देखो मैं हरिद्वार से मुंबई तेरे लिए आया हूँ, तुझे वापस ले जाने। मुझसे वादा कर कि जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। हाँ रुद्र, अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। दुनिया की कोई भी गलतफहमी हमें अलग नहीं कर पाएगी। ये मेरा वादा है तुमसे। आँख ने खेली प्रेम की बाजी, मन की हो गई मात। ओ आँख ने खेली प्रेम की बाजी, मन की हो गई मात। समझ गई मैं गौरी और रुद्र के रिश्तों को पैसों की लालच की वजह से बहुत बड़ी भूल होने जा रही। जी आप लोग यहाँ? अरे डरो मत बेटी, हम यहाँ कोई खरी खोटी सुनाने नहीं आए। ये तुम्हारा पर्स पानीपुरी वाले के पास रह गया था, वो लौटाने आए हैं। अरे थैंक यू थैंक यू। ये दोनों के थैंक यू से काम नहीं चलेगा। हम खर्चा करके आए हैं, तुम्हारी लापरवाही हम क्यों नुकसान भुगते? चलो चलो आने जाने का रिटर्न भाड़ा दे दो हमको, दे दो। सविता तुम दुनियादारी मत सिखाओ, चुप बैठो। मैं बोल रही हूँ ना, दे दो इनको पैसे वरना दिल्ली तक हमारे पीछे आ जाएंगे। नहीं नहीं डरो मत, नहीं आऊंगी, यहाँ ही लेके जाऊंगी। मिला आने जाने का भाड़ा। अब हम चलते हैं, शुक्रिया। अरे ये तो अर्चना है। ऐसे खुश हो रहे जैसे ऐश्वर्या राय दिखाई दी। मोना जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मोना जी, अनुकल्प, मोना, चल बाहर। मानो, केक लेकर आओ। मैंने तुम्हें चॉइस नहीं दी है, ऑर्डर किया। जस्ट फॉलो इट। और पिछले कुछ घंटे से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, किसी भी काम को तुम या तो टाल रहे हो या किसी और को दे रहे हो, लेकिन ये काम सिर्फ तुम्हें ही करना है। अगर ये काम तुम नहीं करोगे, यहाँ से निकाल दूंगा मैं तुम्हें। अरे ऐसे ही देखते रहोगे या निकलोगे? चलो। मानो,